नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है डे टू ऑफ जयपुर। तो फिर से मैं अपने मूड को लेके निकल चुकी हूँ आमेर फोर्ट के लिए। एक्चुअली मैं थोड़ा मतलब लेट चल रही थी और भैया ऑटो वाले भैया ऑलरेडी आ चुके थे घर के सामने, तो फिर मैंने तब ब्लॉग स्टार्ट तो कर नहीं पाई। तो अभी सोचा कि ऑटो में जाते आते ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। तो एक्चुअली मैं अपना रबर बैंड भूल गई घर में, तो अभी दुपट्टे से तो ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा, और इस बार थोड़ा सज धज के निकली हूँ, जा रही हूँ आमेर फोर्ट। तो चलो आपको भी लेके चलती हूँ आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट आके फिर से मेरे को मुकेश भाई मिल गए। आ गए भैया। हाँ जी, मेरा नाम मुकेश सैनी। ये आप अगर मेरे लास्ट व्लॉग देखे हो तो आमेर फोर्ट के, तो भैया मेरे साथ तब टूर गाइड थे, आज मम्मी को लेके, तो मम्मी का टूर गाइड भी आज यही बन रहा है। दौसा कल हम लोग गए थे, भानगढ़ में गए थे हम लोग। दौसा डिस्ट्रिक्ट अलग है, दौसा डिस्ट्रिक्ट के उधर से ही गए थे। हाँ हम लोग वहीं पे है का भानगढ़ और दौसा में आबा नेरी चांद बाउड़ी, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर द्वारा बना हुआ, इसी का कॉपी है। अब जो बाउड़ी बनाओ ना वो 30 फुट डीप है। पन्ना मीना की बावड़ी तो राजस्थान में होती पानी की समस्या, इसीलिए राजा लोग कुएं बावड़ी तालाब ही खुदाते थे। तो ये बावड़ी काफ़ी गहरी है, तो पन्ना और जो मीना थे वो थे किन्नर, जो राजा लोगों ने किन्नर लोगों के नाम पर इसका नाम दिया पन्ना मीना का कुएं। तो ये जो बावड़ी है आप लोग देखिए। ओके, तो लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैं इस जगह पे नहीं आई थी, क्योंकि तब हम लोग चल के पैलेस पे गए थे बोल के, ये जगह मिस हो गया था मेरे को। तो अच्छा हुआ कि इस बार जब भैया के फिर से मिल गए हमें, तो ये मस्त जगह देख ली हम लोगों ने। तो इसको इंग्लिश में स्टेप वेल बोल सकती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। एंड बोला जा रहा है कि ये अभी भी ना इतना ज़्यादा गहरा है, लाइक इट्स लाइक अ फोर्थ, मतलब 4 मंजिलें नीचे और तक पानी है, और यहाँ पे बरसात के पानी आके ही जम जाते हैं। बहुत खूबसूरत है, सेम ऐसा मैंने जोधपुर में देखा था जब मैं गई थी। तो नीचे से हम लोगों ने ये जीप बुक कर लिया था, तो ये नीचे से हम लोगों ने जीप इसलिए बुक किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत गर्मी है और मम्मी इतना चल नहीं पाएगी, तो मैंने नीचे से जीप बुक करवा लिया था। तो देवर आस्किंग 500 रुपीज़ फर्स्ट, बट देन मैंने बोला कि आएगा मैं 500 नहीं, मैं 150, एंड देन लास्ट में वो 150 में हमें ऊपर लेके आए एंड वही हमें नीचे भी लेके जाएंगे। महल कहलाता है जिसे बोलते हैं कदमी महल, कदमी महल परिवार के लोग रहा करते थे। अच्छा। तो राजा भारमल से लेके मानसिंह पश तक वो यहाँ रहे, बाद में आए अंबर फोर्ट। अच्छा। क्योंकि पहला रेजिडेंट था नीचे वाला नरसिंह महल। अच्छा। तो ये जो महल है ये जोधा भाई का घर कहलाता है, यही जोधा भाई का घर है ना। ये जोधा भाई पहले यही रहते थे, जिनका नाम था अरखा भाई, जोधा मूवी के हिसाब से। अच्छा, तो उनका नाम था अरखा भाई जोधा, खाली मूवी के हिसाब से वो नाम रखा गया। वो मानसिंह जी के बुआ हुआ बुआ थी, बुआ थी। ओके ओके, ये आगे बताऊंगा वो ऊपर। हाँ चलिए। अच्छा, अभी जो म्यूजिक जो चल रहा था उसको बोलते हैं रावण, रावण हत्ता, जो भगवान शिव को हैप्पी करने के लिए रावण ने बनाया था। अच्छा, तो ये रावण ने फर्स्ट इन्वेंट किया था। अच्छा, बट इसका म्यूजिक बहुत खूबसूरत है। लास्ट टाइम भी मैं आई थी ना, कोई बूढ़े से अंकल थे वो बजा रहे थे ऊपर। अच्छा अच्छा, घर पे गए होंगे। अच्छा, तो लास्ट टाइम जब मैं आई थी मई जून मंथ में, बहुत गर्मी था बट तब इतना क्राउड नहीं था। अभी अक्टूबर महीना है तो इस बार देख रही हूँ कि बहुत क्राउड है ना भैया, इस बार ज़्यादा थोड़ा क्राउड है। लास्ट टाइम आई थी तो इतना नहीं था। ये सब नहीं, और एक कोई था,
ये बाबा जी भी नहीं थे, वो गए होंगे फिर। अच्छा अच्छा अगर हम लोग चल के आते तो हम लोग उस गेट से आते, बट अभी हम लोग गाड़ी से आए बोल के हम लोग ये पीछे वाले गेट से आ रहे हैं। बट हमने बहुत अच्छा काम किया कि मैंने जीप ले लिया, बिकॉज मम्मी इतना चढ़ के नहीं आ पाती और गर्मी भी बहुत है। ये है टिकट ऑफिस। ये कौन सा गेट है? लायन गेट है। तो लायन महाराजा मान सिंह, जय सिंह, सवाई जय सिंह, जिनको सिंह का उपाधि था। और ये कलर के बारे में बताइए। कलर नेचुरल कलर से, खाने पीने की सब्जियों से बना हुआ कलर, सब्जियों से। अच्छा, मेथी हरा धनिया से ग्रीन कलर, रेड टमाटर चकुंदनी से बना हुआ कलर है। देखा जो ये अभी तक कोई मॉडिफाई नहीं किया गया, ये जो कलर तब के थे वही। एक्चुअली मैंने भैया को बोला है कि इस बार मम्मी को अच्छे से समझा दो, क्योंकि मैं तो आ चुकी हूँ दो तीन बार, तो मम्मी को आप अच्छे से दिखा दो, इसके बारे में बता दो। मैं तब तक घूम घूम के थोड़ा बहुत वीडियोस बना लेती हूँ, और फिर से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम आई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, इस बार आई हूँ अपने मम्मी को लेके, वही फेवरेट प्लेस है। मुझे पता नहीं क्यों आमेर फोर्ट बहुत पसंद। रुको, आई स्पॉटेड एलिफेंट, वो देखो छोटू सा एलिफेंट बोरा, उधर 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 उधर, ये रहा पूरा शहर दिख रहा है। मुझे पता नहीं क्यों, बट जयपुर से मेरा कुछ अलग ही नाता है, मुझे जयपुर बहुत पसंद है। ये लेके मैं फोर्थ टाइम आ रही हूँ जयपुर, और जब भी आती हूँ मैं आमेर फोर्ट एक बार तो घूम के जाती हूँ। जो सामने बॉर्डर दिख रही है 12 किलोमीटर में बनी है, पहली द ग्रेट चाइना वॉल, सेकंड कुमलगढ़ फोर्ट, थर्ड अंबरपुर की दीवार। उस समय मोबाइल सेल फोन थे नहीं, तो टावर का काम करेगा बॉश टावर, तो उस समय मोबाइल का के लिए होता था नगाड़ा, रात्रि के लिए मसाल जो यहाँ से दी जाती थी। अच्छा, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद ये आमेर फोर्ट का ये वॉल है कुमलगढ़ के, कुंभलगढ़ के बाद। अच्छा, कुंभलगढ़ कहाँ पर है, कौन सा? उदयपुर में। अच्छा 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 अच्छा। इस बार एक थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से, मैं जब भी आमेर फोर्ट आती थी थोड़ा कलरफुल पहन के आती थी, इस बार थोड़ा सा लाइट ग्रीन पहन के आ गए, मेरे एक भी पिक्चर्स अच्छे नहीं आ रहे। इस बार मैंने सोचा था आके मस्त मस्त पिक्चर्स लूँगी, बट थोड़ा सा हो गया कांड। चलो अभी चलते हैं इनका गीज़र देखने। जब पानी गर्म होगा हवा से गिरेगा, स्टीम जिसे बोलते हैं, स्टीम और बाहर बनाने का रीजन धुआं, तो धुआं चारों तरफ रहता है, इसीलिए रात में बाहर से बाहर निकलता है। राजस्थान में तो राजस्थान में केसर होती नहीं है, मगर महाराजा का प्रयास था रानी लोगों के लिए केसर लगाने का। तो राजा ने जब इस गार्डन को बनाया तो बिल्कुल पानी के बीच में बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि उसमें चारों तरफ से नमी बनेगी। अच्छा, ऊपर से डिजाइन देख रहे, कारपेट डिजाइन है जहाँ सर्दी के दिनों में यहाँ केसर लगाई गई। अच्छा, केसर हुआ भी था यहाँ पे, तो उस समय के लिए रहे होंगे प्लांट, रहे होंगे। अच्छा, रख दिया गया केसर ग्लास। और सामने जो चेयर दिख रही है वो लेजर लाइट के लिए, तो शाम को वहाँ से लेजर लाइट होती है, सर्दी के दिनों में 6:30 और गर्मी के दिनों में 7:30 के समथिंग चलती है। देख रहे हैं ये चीज ताजमहल के लिए, ये जो नक्काशी है ना, ये मुस्लिम नक्काशी है, इसे बोलते हैं इंडियन। ये ताजमहल को देखिए कि वहाँ कलर है ये ब्लैक है, ये आपका मुस्लिम, ये आपका हिंदू, ये मिक्स आर्किटेक्चर को बता रहा है। मार्बल पे देखिए बहुत सुंदर खून बना हुआ, ये कहलाता कार्बिंग वर्क। मजदूरी क्या मिलता था? आना दुआना। क्या मिलता था? आना दुआना मजदूरी। यहाँ से दबाओगे ये बनेगा आपका सनफ्लावर। हाँ, इसके यहाँ से दबाओगे आपका बनेगा फिश, फिश फिश टेल, फिश टेल। यहाँ से दबाओगे एलिफेंट का सूप। हाँ, इसके यहाँ से रखोगे क्रैप, देखा चो क्रैप हो जाते। यहाँ से दबाओगे स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन राइट। इसके यहाँ से रखोगे स्नेक का जोड़ा, स्नेक का जोड़ा राइट। इसके यहाँ से रखोगे लायन टेल, लायन टेल। अच्छा, नीचे वाला, नीचे। हाँ हाँ हाँ, बटरफ्लाई दिख रहा है। इसको यहाँ से रखा हनी बी, हनी बी। इसको यहाँ से रखा एलिफेंट ईयर, एलिफेंट ईयर डियर। वाह, लास्ट टाइम भी आपने दिखाया था ये वाला। पहले जैसे
आमेर फोर्ट का यही तो खासियत है, एक स्ट्रक्चर में आपको बहुत कुछ बनाया हुआ दिखता है। भैया ने लास्ट टाइम भी मुझे दिखाया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक उन्होंने बनाया स्ट्रक्चर, उसी को उसी में कितना सब कुछ आ जाता है। ये है समर सेक्शन, यहाँ पे गर्मियों में राजा आके रहते थे। आई थिंक यहाँ पे जितने भी सारे कमरे बनाए हैं शायद से उनकी रानियां रहती थी इधर। महारानी व्हील चेयर भैया जयगर और नाहरगढ़ एक ही है ना? ना अलग है, उसका रूट अलग है। अच्छा नाहरगढ़ में क्या रहते थे? नाहरगढ़ में महल है जहाँ माधो सिंह की नौ रानियां रहा करती फैक्ट्री है, दो फ्लैग। अच्छा जयगढ़ में मतलब खाली वो फोर्ट? अच्छा वही पे दो फ्लैग दिखाते ना कि राजा आते हैं तो एक फ्लैग होता है। अच्छा नहीं, नहीं दिखाएगा ना? हाँ कुछ कलर होते हैं यहाँ के फ्लैग्स के, हाँ फाइव कलर्स। ए देखो माँ एक और आना हो तो हाँ तो कर पड़े। आज का व्लॉग यही तक के लिए, अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आपको पता है ना आपको क्या करना है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं अभी चलती हूँ थोड़ा शॉपिंग करने के लिए।